दोस्तों, मैं इस टाइम बाबा भैरवनाथ के मंदिर के बाहर खड़ा हूँ, जो कि प्रगति मैदान के पास और ओल्ड फोर्ट के पीछे है। ये बहुत ऐतिहासिक मंदिर है और 5500 साल पुराना मंदिर है और इसको पांडवों ने बनाया था। यहाँ पे हज़ारों लोग रोज़ दर्शन करने आते हैं, देश से विदेश से, और संडे का दिन इनका बहुत महत्वपूर्ण होता है। संडे को इनका मेन दिन है और सारे लोग जो हैं मेनली संडे को यहाँ आते हैं और भगवान को मदिरा का भोग चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, और ये प्रसाद बाद में भक्तों को बंटता है। ये इनका मेन प्रसाद होता है अल्कोहल का यहाँ पर, जो कि सदियों से हज़ारों सालों से इसको मनाते हैं, और हम आपको बताएंगे। नमस्कार। सालों से हम लोग मंदिर में आते हैं, बाबा सबकी मनोरथ पूरत करते हैं। हम जब छोटे बच्चे हुआ करते थे अपने माँ बाप के साथ, तब आते हैं और हमने मंदिर का स्वरूप बदलते हुए काफ़ी देखा है। पहला अनुभव है जो मुझे यहाँ खींच कर लाया है, और इस मंदिर में आकर के मेरे मन को बहुत शांति और सुकून प्राप्त हुआ है, और मेरे को एक तरीके से मैं अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ इसके अंदर, और मेरे को भैरव बाबा शक्ति दे, प्रदान करे कि मेरे परिवार के अंदर सुख शांति, नया साल 2018 का बहुत अच्छी तरीके से हमारे घर पर मनाया जाए। मैं भी आप लोगों से विनती करता हूँ कि आप भी एक बार इस बार भैरव बाबा के मंदिर में आके दर्शन कीजिए, जो दिल्ली के अंदर प्रगति मैदान के सामने है, और पीछे इसके सुंदर नगर और जू है, और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, और इसकी बहुत ही डिटेल में अगर व्याख्या देखी जाए तो यहीं आकर के आपको पता लगेगा कि इस मंदिर के अंदर हम और क्या क्या देख सकते हैं।